हिंदी सिनेमा के एक्शन सुपरस्टार बॉबी देओल एक के बाद एक अपनी जबरदस्त एक्शन फिल्मों की अनाउंसमेंट करते ही जा रहे हैं और इस साल वो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों में खतरनाक एक्शन करते हुए भी नजर आने वाले हैं। वहीं अभी हाल ही में बॉबी देओल का एनिमल मूवी से एक खतरनाक लुक भी सामने आया था जिसमें वो एक विलन के रोल में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बॉबी देओल ने अपनी एक और एक्शन फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। इसका नाम है गुप्त 2। जी हां, आपको बता दें ये फिल्म बॉबी देओल की सन 1997 में आई क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म गुप्त द हिडन ट्रूथ का सीक्वल होने वाली है जिसको 1997 में राजीव राय जी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री थी जिसमें जबरदस्त एक्शन के साथ साथ सस्पेंस भी देखने को मिला था। फिल्म में बॉबी देओल के साथ काजोल और मनीषा कोइराला लीड रोल में नजर आई थी और फिल्म में काजोल एक नेगेटिव किरदार में नजर आई। साथ ही इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी। वहीं 25 साल के बाद एक बार फिर मेकर्स गुप्त का सीक्वल बनाने जा रहे हैं जिसमें वो एक बार फिर बॉबी देओल और मनीषा कोइराला को एक साथ लेकर आने वाले हैं। वहीं फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय जी भी इंडस्ट्री में एक बार फिर से अपना कमबैक करने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है और जैसे ही फिल्म की स्क्रिप्टिंग कम्प्लीट होगी उसके बाद ही हम फिल्म का शूट शुरू कर देंगे। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, फिल्म में हमें बॉबी देओल के साथ मनीषा कोइराला एक बार फिर लीड रोल में नजर आ सकती हैं और बहुत ही जल्द मेकर्स फिल्म की बाकी की स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। और जिस तरह फिल्म की तैयारी चल रही है उसे देखने के बाद ये लग रहा है गुप्त 2 2025 तक हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी गुप्त 2 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी ऐसी मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।